अगर आप भी एक Wazirax यूजर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का ये, क्योंकि Wazirax की तरफ से कुछ अच्छी अपडेट्स आई हैं। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमें बड़ा अपडेट दिख रहा है वो दिख रहा है कि निश्चल शेट्टी जी का उनका अपना खुद का जो शार्डियम प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि इनकी तरफ से कुछ अच्छा अपडेट आएगा जो कि शायद Wazirax को लेकर होगा, लेकिन उसकी जगह पे अभी हमें शार्डियम को लेकर अच्छा अपडेट मिल रहा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप एक WRX होल्डर हैं तो उसको लेकर भी कुछ अच्छी अपडेट्स हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। तो शार्डियम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Wazirax के बारे में। तो Wazirax का WRX कॉइन हम देख सकते हैं कि अभी लगभग $0.09 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत कम वैल्यू चल रही है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी लगभग 23 सेंट के आसपास था और अभी इसका प्राइस चल रहा है लगभग 9 सेंट के आसपास। तो WRX में अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा या फिर WRX के प्राइस में कोई बड़ा अगर इंक्रीज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी आने वाला है जब भी Wazirax इसका बर्न करेगा या फिर इसकी कुछ अच्छी अपडेट्स आएंगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि जब एक सबसे ज़्यादा बुरा समय चल रहा था, यानी कि क्रिप्टो का जो बैन किया गया था इंडिया में, उस वक्त पे सिर्फ Wazirax या फिर सिर्फ एक निश्चल शेट्टी ही थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे ताकि जो बैन है इसको हटाया जाए। और अभी भी हम देख सकते हैं कि समय तो वैसे ही बहुत बुरा चल रहा है, यानी कि मार्केट ऑलरेडी बेरिश चल रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट ना तो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या फिर उसका कॉइन भी अच्छा हमें प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, जिस कारण Wazirax इस वक्त डेवलपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे कि शार्डियम के ऊपर या फिर अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो भी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही ढंग से काम कर पाए या फिर जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट कर पाए। तो ऐसा ही Wazirax ने किया है। तो इन्होंने एक एनलाइटनिंग अवेयरनेस वर्कशॉप करी है Web3 को लेकर इन कोलैबोरेशन विद BW3 एसोसिएशन, और ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए जहाँ पे आई स्टार्ट प्रोग्राम किया गया है। तो आज के समय में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हम जनरली बोलते हैं कि वो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट हैं या फिर डिजिटल प्रोजेक्ट हैं या फिर जिनमें क्रिप्टो करेंसी सम हाउ इन्वॉल्व है या फिर जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। वैसे ही लगभग सारे प्रोजेक्ट्स अभी Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं और इन्हीं के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर अगर काम किया जाएगा तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ पाएगा। और इसी चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए Wazirax काम कर रहा है। Wazirax की टीम अवेयरनेस के लिए कई जगह पे वर्कशॉप्स कर रही है अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, अलग अलग स्टेट की पुलिस के साथ, और ऐसे ही अभी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ किया है जहाँ पे Web3 की एनलाइटनमेंट यानी कि इसकी अवेयरनेस फैलाई गई है। तो इस वक्त इंडिया में बहुत बहुत कम प्रोजेक्ट हैं अगर कोई अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है या फिर कुछ गिने चुने यूट्यूब चैनल्स या फिर ट्विटर के हैंडल्स हैं जिनके ऊपर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि अभी हमने बात करी BW3 एसोसिएशन की, BW3 मतलब भारत Web3 एसोसिएशन। तो अगर इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे। तो ये एक सबसे बड़ा स्टेप है जिस कारण मैं Wazirax में देख सकता हूँ आज अगर Wazirax सपोर्ट कर रहा है बाकी प्रोजेक्ट्स को अवेयरनेस फैलाने में, तो आने वाले समय में Wazirax को भी सबसे अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। एंड यही एक सबसे बड़ा कारण होने वाला है कि WRX की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है आने वाले समय जैसे ही मार्केट बुलिश होगी। तो ये तो हमने Wazirax की बात करी या फिर WRX की बात करी। इसी के साथ अगर हम बात करें निश्चल शेट्टी जी का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि दुबई बेस्ड है, वैसे तो इंडियन प्रोजेक्ट है लेकिन दुबई में उसका ऑफिस है, वो है शार्डियम। तो शार्डियम की जो टैक्टिक है उन्होंने रोड मैप ऑलरेडी सामने हमें बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो टेस्टनेट को रीलॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्द। तो टेस्टनेट लॉन्च होने के साथ साथ जैसे रिलीज कैंडिडेट यानी कि RC लॉन्च कर दिया जाएगा, तो एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्च होने वाली वो है इंसेंटिव वाइज टेस्टनेट, यानी कि टेस्टनेट अगर कोई भी यूज़ करेगा तो उनको इंसेंटिव वाइज किया जाएगा। इससे क्या है कि जो टेस्टनेट जो भी शार्डियम का यूज़ करने वाला है तो वो इंसेंटिव के चक्कर में इसको और भी बड़े बेस पर इसको टेस्ट करने वाले हैं या फिर बहुत से ऐसे डेवलपर्स यूज़र्स ब्लॉकचेन यूज़र्स सामने आने वाले हैं जो इसके स्ट्रेस टेस्ट को टेस्ट करने में सहायता करने वाले, जिससे क्या कि जितने भी बग्स हैं उनको दूर किया जाएगा। ऐसे एक और स्ट्रेस टेस्ट होगा जिसमें सेकेंड राउंड होने वाला है जिसमें ऐसे बग्स को सॉल्व भी किया जाएगा और इसी दौरान फिर इसको मेनेट के लिए रेडी किया जाएगा और फिर शार्डियम का सिक्योरिटी फर्स्ट राउंड ऑडिट होने वाला है, यानी कि इसके ऑडिट्स भी साथ साथ चलने वाले हैं।
फिर इसी के साथ साथ नॉड स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि जो भी नॉड रनर्स होंगे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। और ये जो ओवरऑल हमें सब कुछ मिलने वाला है रियलिटी में क्वार्टर फर्स्ट और 2024 में सब कुछ मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि शार्डियम भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और शार्डियम आने वाले समय में काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाएगा, काफ़ी सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो शार्डियम को यूज़ करने वाले हैं। तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होने वाली है जो कि ओन्ड बाय कम्युनिटी होने वाली है। तो ये है हमारी सारी अपडेट्स जो कि निश्चय शेट्टी या वजीरेक्स को लेकर हैं और इसके साथ शार्डियम को लेकर। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम सर्च करते हैं शार्डियम, तो अभी तक शार्डियम कुछ भी नहीं आ रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे SHM कॉइन लिस्ट हो जाएगा और SHM कॉइन को काफ़ी सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी किया जाएगा। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में ये SHM कॉइन का IDO भी हो सकता है, IDO, IGO, ICO कुछ भी हो सकता है, जिस दौरान हमें SHM बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉइन्स को ले सकते हैं। जैसे कि हमने WRX में देखा था कि WRX जिन लोगों ने कुछ साल पहले लिया था उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला, सिमिलरली हमें SHM में भी अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो यह हमने दो प्रोजेक्ट्स की बात करी है, लेकिन अगर आपको किसी भी और इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।